हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और देख सकते हैं कि बारिश कितनी जोरों शोरों से हो रही है। बाहर का एरिया तो साफ करने में बन नहीं रहा है, इतना बारिश हो गई है। आज दिन है बुधवार और डेट है 11। तो अभी मैं क्या करूँगी, शाम का टाइम हो गया है, 3 बज गया है। और 3 बजे अभी श्रृंगार वगैरह करने के बाद सीधे रसोई रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर शाम का श्रृंगार भी हो जाता है मेरा, सुबह में एक शाम में ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ तो। और नहीं मिलता है फुर्सत तो सीधे जब टाइम मिलता है तब श्रृंगार कर लेती हूँ। चोटी वगैरह श्रृंगार मेरी हो चुकी है और मैं अभी चढ़ा दी हूँ टमाटर, टमाटर की चटनी रोटी। अभी छोटी मोटी भूख लगी है बच्चों को, उसे मैं दे दूँगी बनाकर। और साथ में बर्तन थे थोड़े दोपहर वाले, चावल वगैरह खाए थे तो उसका, तो अभी मांझी नहीं थी तो उसे भी मांझ का साथ में रख लूँगी। और शाम के 4 बजे का ये नाश्ता मैं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने घर में थोड़ा सा बदलाव लाई हूँ। क्योंकि अभी बच्चों का बरसात के मौसम में ना इधर बहुत तबीयत ख़राब हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि बाहर के जो पैकेट वाले सामान है वो मैं बंद कर दी हूँ घर में लाना। जैसे कि मैगी, चाउमीन हुआ, बिस्किट वगैरह, ये सारे चीज़ें अभी मैं। और बच्चों का क्या है ना कि ये पैकेट वाले सामान ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसलिए मैं कम तो हमेशा देती थी, लेकिन इधर और कम मतलब एकदम कम कर दी हूँ। बाहर का चीज़ एक बूंद नहीं दे रही हूँ, अभी ठीक होने दूँगी। और इस मौसम में तो कोशिश होना चाहिए कि हेल्दी खाना ही खाने की। और अभी चावल मेरा सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा, तभी बर्तन मैंने चावल वाला अभी मांजा नहीं है। और यहाँ पर चटनी मेरा तैयार हो चुका है, मैंने पका कर 4-5 चटनी दोनों बच्चों का हो जाएगा। दो हम लोग नहीं खाएंगे, मुझे भूख नहीं है इस वक्त खाने की रोटी, लेकिन ये लोगों को छोटा मोटा भूख लग जाता है शाम के टाइम में। तो सोच रही हूँ कि चटनी रोटी ही बना दूँ आज। तो अभी नवरात्रि भी आने वाली, आज बुधवार है, 11 तारीख है, मैंने तो बताया ही, शायद बताया या नहीं अभी याद भी नहीं है। तो चलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से चूर दे रही हूँ, फोड़ दे रही हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर हाथ से अच्छे से मिला दूँगी और रोटी तब तक बना दूँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा मिर्च मैंने डाल दिया है, इससे है कि थोड़ा स्वाद आ जाता है चटनी। और सबसे ज़्यादा चटनी स्वाद तब लगता है जब आग में सेका हुआ, बहुत स्वाद लगता है चटनी इसका। और फटाफट मैं रोटी बना दूंगी और बच्चों को सबसे पहले दे दूंगी। 4 बज गए हैं और 4 बजे का ये छोटी मोटी भूख लगी है उसमें मैं दे देती हूँ। इसके बाद आराम से हम रात का खाना बनाएंगे। और शाम चूँकि हो चुका है तो चाय भी मेरा चढ़ चुका है यहाँ पर, तो चाय तो थोड़ा सा मौसम भी बहुत बढ़िया कर रखा है, पानी बरस इतना आज पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है, तो थोड़ा सा चाय मैं पी लेती हूँ। मैं और हस्बैंड जी हैं घर पर, तो अभी यहाँ पर बच्चा है, बड़ा वाला बच्चा था यहाँ पर। और शाम होते ही मेरा लग गया है चालू काम खाने की तैयारी में। तो अभी आलू यहाँ पर बैठे बैठे सबसे पहले मैं छील लेती हूँ, काट लेती हूँ आराम से, सारे सामानों को जुगाड़ करके मैं रख लेती हूँ, तभी मैं रसोई रूम में जाऊँगी और फिर बनाना स्टार्ट करूँगी। फटाफट बन जाता है जब मेरा सब्जी वगैरह कट जाता है, धुल जाता है, और अच्छे से सारे सामान मैं तैयार करके रख लेती हूँ। इसके बाद मैं गैस को ऑन किया है। तो एक मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि पूछ रही थी कि आपके घर में चूहे से बचाव कैसे करें। मत पूछिए कितना मैं, मतलब चूहे कितना बर्बाद किया है मेरा कपड़े, मेरा सामान बहुत सारे बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन उससे बर्बाद करते करते मैं सीख गई हूँ कि कैसे बचाव करना है। तो मुझसे बेहतर नहीं जानता होगा कोई कि कैसे मैं अपने कपड़े, अपने सामान को बचाव करके रखूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी कि कैसे मैं अपने घर को रखी हुई हूँ इस वक्त, कैसे मेरे सामान बच रहे हैं, तो ये ज़रूर मैं बताऊंगी। और आज तो नहीं, क्योंकि वीडियो ये बना हुआ था, उसकी वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी चूहों से बचाव कैसे करें अपना घर को, हर सामान को। तो चलिए अभी क्या है ना, भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू और भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसमें तेल बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है। और क्या किया है कि पचफोरन, मिर्च, सारा चीज़ देंगे इसमें, लेकिन भूनेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि जानते हैं हरी सब्ज़ियाँ जब भी हम भून देते हैं ना, तो उसका जो
क्या कहते हैं प्रोटीन होता है जो इसमें सब ख़त्म हो जाता है भूनने से, और मैं इसलिए आज भूनूंगी नहीं। इसी तरह मैंने सारे मसाले को मिलाकर ढक दिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इधर मैंने गूँथ लिया है आटे को, तो फटाफट ऐसे ही रसोई रूम के काम मेरे निपट जाते हैं अच्छे से। और साथ साथ मैं अपने बर्तन को धोते ज़रूर रहती हूँ रसोई रूम में, क्योंकि अगर ढेर सारे बर्तन हो जाए ना तो फिर आपको देखकर ही लगेगा कि मांजने का नहीं मन करेगा आपको। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जब आप रसोई रूम में हो ना तो साथ साथ बर्तन को मांजते हुए रखते जाएं, ताकि आपका सिंक में बर्तन भी ना रहे और हमारा काम भी सब हो जाए। और इसके बाद अभी शाम बत्ती दिखा आई हूँ, और इसके बाद क्या है ना कि शाम के टाइम में देखिए, अभी हर्ष गया है बाहर घूमने और आदित्य गया है कोचिंग। इस वक्त जाता है 5 बजे, 5:30 बजे से जाता है कोचिंग, तो आता है 8 बजे रात में। तो अभी क्या है ना कि गए हैं कोचिंग है, एक घूमने गया है बदल का कपड़ा, सभी चौकी पर ही इसी तरह पड़े थे गमछी कपड़े, तो सभी को सेट कर लेती हूँ इसी टाइम जब फुर्सत मुझे मिलता है, तो ताकि मेरा रात में भी इधर उधर सामान ना बिखरा हो। वो क्या है ना कि तेल है, गिलास है, सब पानी वगैरह पीते हैं ना, तो इधर उधर रख ही देते हैं। कभी कभी अच्छे जगह पर रखो बोलने पर, नहीं तो नहीं बोलो तो बच्चों का आदत होता है कि जहाँ पियो वहीं पर रख देते हैं। तो ये तो बच्चों की आदत ही होती है। देखिए मेरा सब्ज़ी भी तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और पकेगा, ये ढक देते हैं, धीमी आंच करके मैंने छोड़ दिया है। और जब और बन गया है हमारा रोटी भी, और रोटी और सब्जी यही है हमारा रात का भोजन, और साथ में सलाद। इस वक्त ना सलाद ज़रूर खाना चाहिए, तो सलाद इधर मैं बहुत ले रही हूँ, चुकंदर है और टमाटर है, तो इन सारे चीज़ों का सलाद जो है मैं ज़रूर लगा रही हूँ, क्योंकि सलाद ऐसी चीज़ है ना कि हमारे पूरा शरीर को स्वस्थ रखता है। आपको पता है सलाद हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद, चेहरे बाल और शरीर के लिए दम। अगर डेली हम सलाद का उपयोग करेंगे तो हमारे बाल एक बूंद नहीं झड़ते हैं और चेहरा भी ग्लो करता है। तो सलाद के तो भाई ये सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है ना कि सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है बाहर वाले सामान, और घर वाले सामान नहीं अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करना यही चाहिए कि घर का सामान ही बच्चों को दें। और अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं, और देखिए भींग करा रहे हैं पूरा, अभी स्नान कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैं बोल रही थी कहीं रुक जाते तो कम से कम तबीयत ख़राब हो जाता है भीगने पर। तो चलिए अभी क्या है ना कि टोकरी में सारे फल और सब्जी मैंने रख दूंगी, और वीडियो को एंडिंग कर